कितनी कुर्बानियां दी हम अपने ये माँ बाप जिंदा होने के बावजूद हम ये धीमी देख रहे हैं। हमारा कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। हम भट चुके हैं लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। काश हमारे माँ बाप हमारे साथ होते तो हमें ये सब कुछ करने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती। मुझे कोई मजबूरी नहीं होती, मैं कल इंजीनियर शिव साहब के घर जाके बेइज्जत से निकलूंगी। शेम है उसके लिए। अब ये मैंने काटा इसलिए क्योंकि जिसके ऊपर मुझे उम्मीद थी वो उम्मीद तो मुझे नहीं मिली। आप बोलिए, मेरे बाबा भी अभी जेल में बंद है, मेरी मामा भी अभी जेल में बंद है। हमसे बढ़कर मजलूम, आप बोलिए मजलूम कौन हो सकता है? जब वो अभी हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे वो कल लंगर का सपोर्ट करेंगे। अभी लोगों को बखूबी मालूम है हमारे साथ कोई सपोर्ट किसी ने नहीं किया। मुझे उम्मीदें थी इंजीनियर ऋषि साहब के ऊपर लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया हमारे ऊपर। फॉर्म भरने का कौन सा फायदा है? मैं बाबा के पास मुलाकात के लिए मैंने उनको बोला, बाबा अगर कोई लीडर हमारा साथ नहीं देगा लेकिन मजलूम लीडर इंजीनियर रशीद साहब हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसका उल्टा ही हो गया। उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया तो किस चीज़ का फायदा? लंगेड़ के लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने साथ दिया, लेकिन जिस चीज़ का सपोर्ट मुझे चाहिए था लेकिन मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला। रशीद साहब से कहाँ बात हो, कैसे मैं वहाँ पर जाती? आप मुझे बोलिए, मैं एक मजलूम, मैं आप मुझे एक बात बोले, मैं कहां पे पहुंचूं? जब आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इंजीनियर शिव साहब ने नहीं देखा होगा, जब वो एक बार स्टेटमेंट देते कि बेटी मैं आपके साथ हूं, मैं इस चीज के लिए यहां पे ये नहीं करती। मुझे भरोसा जिनके ऊपर था वो भरोसा मुझे नहीं मिला। अगर एक बार इंजीनियर शिव साहब ये कहते कि बेटी मैं आपके साथ हूँ, मैं फॉर्म नहीं निकालूंगी लेकिन फिर भी आपकी कैंपेन निकालूंगा, लेकिन किसी ने उन्होंने कोई बात नहीं की। चलो ठीक है, हमें फिर भी हम बहुत